तारपिन के तेल को अब हम पशु की चमड़ी में लगाएंगे इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शन देख रहे हैं इससे लगाएंगे पशु की चमड़ी में अब तक क्या होता था अब आप इसको घाव कीड़े मारने के लिए लगाते थे आफरा उतारने के लिए लगाते थे लेकिन अब मैं इसका हमने इंजेक्शन बना दिया है तारपिन के तेल का हमने ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिसको लगाकर आप पशु की बीमारी को ठीक कर सकते हैं तो गजब की जानकारी देंगे अगर वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट और शेयर भी करें सच आपको टर्पिनटन ऑयल दिखाई दे रहा है और इधर आपको एक सीरेंज दिखाई दे रही है इस सीरीज से एक निडिल के माध्यम से हम पशु को इंजेक्ट करेंगे जैसे हम दूसरे इंजेक्शन लगाते हैं ऐसे हम पशु को अब तारपिन का इंजेक्शन भी लगाएंगे हालांकि ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है लेकिन आपको तारपिन का तेल ही इंजेक्शन बना के लगा देना है कौन सी बीमारी में लगाना और कैसे लगाना है तो आप लाइक बहुत कम करते हैं लाइक कर पेरे साथियों जहां पर भी आपको लो टेम्परेचर का केस देखने को मिलता है जिस भी लवारे का टेम्परेचर डाउन चला गया है नाइन्टी एट नाइन्टी फाइव आ गया किसी भी का तापमान तेजी से गिर गया यानी वो लो टेम्परेचर हो गया उस पर उस पर जो तापमान बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है वो एकदम से पशु ठंडा हो गया हाइपोथर्मिया केस आपको मिल रहा है कोई बस रहा जिसका टेम्परेचर नब्बे आ गया है नाइन्टी आ गया है उसको हमें क्या करना है यह तारपिन का तेल लेना है एक सीरीज में भरना है सबकट यानी चमड़ी के नीचे सबकट हमें यह बीस एम तक उस दस एम एल साइड लगाना दस एम एल साइड आप किसी भी लवारे को लगाइए एक से दो घंटे के बाद उस लवारे का तापमान बढ़ने लगेगा और हाइपोथेमिया केस में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका लवारा मरने से बच जाएगा तो अब आप गर्म करने के लिए क्या करते थे लवारे को सीबी गर्म करके लगाते थे लेकिन अब आप आपको सीबी जगह लगाने की जरूरत नहीं अब आप आपको टारपिन का तेल लगाइए सीधा आप उसको ऐसे लगाइए यानी चमड़ी में लगाइए तुरंत जैसे ही आप चमड़ी में लगाएंगे वह तेल तुरंत काम करना चालू कर देगा मात्रा का ध्यान रखें लवारे को हमें केवल 20 एम से और कम हो तो ही लगाए ज़्यादा नहीं लगाना बड़ी भैंस को आप 50 एम तक यह पूरी पूरी 50 एम आप उसको सबकट लगाना मास में नहीं लगाना सबकट लगाइए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो डाउन टेम्परेचर पो चला गया था अब वो तापमान एकदम से बढ़ने लगेगा और आपका लवारा भी ठीक हो जाएगा जानकारी पसंद हो शेयर करना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना धन्यवाद